आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे घायल। हादसे के 7 दिन बाद तोड़ा दम। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है, दुखद खबर सामने आ रही है। इस वक्त की हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे घायल। हादसे के 7 दिन बाद तोड़ा दम। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे घायल। आपको बता दें कि कुंदूर हेलीकॉप्टर हादसे में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की उसी दिन मौत हो गई थी। वहीं 7 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से 7 दिनों तक अपनी मौत से लड़ते रहे, दुश्मनों के साथ पूरा जीवन लड़ा, उसके बाद अब जो मौत से 7 दिन तक लड़ते रहे ग्रुप कैप्टन, क्या कहेंगे इस पे? बिपिन रावत के साथ जो हादसा हुआ था, उसमें जितने भी लोग उस दिन गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनमें से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और एक लौते वरुण सिंह कैप्टन परमवीर वरुण सिंह जो थे, उनका इलाज चल रहा था हैदराबाद के अस्पताल में। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक दुखद खबर जो है वो निकल कर सामने आई है शिखा, जिसमें पता ये चला है कि कैप्टन परमवीर वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी अपने इलाज के दौरान, लेकिन अब उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। जी, तो इस वक्त उनके परिवार का क्या हाल है नितिन? देखिए, बिल्कुल सही बात, किसी के भी परिवार में अगर कैजुअलिटी होती है तो परिवार, जाहिर सी बात है, गमगीन माहौल हो जाता है परिवार में। लेकिन परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे देश में गमगीन गम का माहौल इस वक्त हो गया है, क्योंकि कैप्टन परमवीर जो वरुण सिंह हैं, वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे अपने इलाज के दौरान, क्योंकि वो भी 80% से ज्यादा झुलसे हुए थे उस हादसे में। और उसके बाद उनका जो इलाज था वो चल रहा था, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं लंबी लड़ाई के बाद कैप्टन वरुण सिंह सही होकर हम सबके बीच में आएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो खबर मिली है, उससे साफ तौर पर पूरा देश जो है वो गम के माहौल में डूब गया है। नितिन, कहीं ना कहीं देश ये उम्मीद लगा रहा था कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, 13 अधिकारी शहीद हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से वरुण अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे, एक आस लगाई थी लोगों ने कि वो बच जाएंगे, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी लोगों में जो कि अब टूट गई है, तो ये कितना बड़ा झटका है देश के लिए? देखिए, देश के लिए बड़ा झटका है, सैन्य सेवाओं के लिए बड़ा झटका है, और उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने उम्मीद बांध रखी थी कि कैप्टन वरुण सिंह सही तरीके से हमारे बीच वापस आएंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है, और उस ट्वीट में भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। 8 दिसंबर 2021 को इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उस हादसे में घायल हुए थे, जिनका इलाज लंबे समय से चल रहा था। लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले जो खबर मिली है वो यही मिली है कि अब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं है, और ये दुखद खबर है पूरे देश के लिए, सैन्य सेवाओं के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने उम्मीद जताकर रखी हुई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरुण सिंह एक लौते अधिकारी जो है वो बच के आएंगे। लेकिन अभी जो खबर मिली है वो यही है कि वरुण सिंह हमारे बीच नहीं है। शिखा जी, नितिन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राज के सम्मान के साथ? देखिए, जितने भी अधिकारी, जितने भी सैनिक उस हादसे में घायल हुए थे, चाहे उसमें हम बिपिन रावत की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, या 11 अन्य जवान जो इस हादसे में घायल हुए थे, उन सबका राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम क्रिया होती है वो करी गई थी उनके शरीर के साथ, पार्थिव शरीर के साथ। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में ये लोग घायल हुए थे, जैसा कि सबको पता है। लेकिन अहम बात शिखा एक ये है कि ये खबर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी बहुत दुख देने वाली है शिखा, क्योंकि देवरिया के ही रहने वाले थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, और उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है अब से थोड़ी देर पहले, और परमवीर चक्र विजेता भी थे। तो ऐसे में अभी जो उनके क्रिमिनेशन की बात कही जा रही है, तो बताया यही जा रहा है कि अब उनकी बॉडी को उनका परिवार जो है वो
अपने अपने पास अपने अपने पास लेगा और उसके बाद देवरिया उसे लाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को देवरिया लाया जाएगा और यहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा और उम्मीद ये है कि शायद कल उनका अंतिम संस्कार हो सकता है, ऐसा जो कायास है वो लगाए जा रहे हैं राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देवरिया वासियों के लिए ये कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है जहाँ पर कैप्टन वरुण सिंह ने अपनी जान जी जान नितिन जिस तरह से कैप्टन वरुण सिंह के दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर परिवार है उनका, उनकी पत्नी है, दो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं कैप्टन वरुण सिंह के। और जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरा परिवार, वो सब बच्चे, सब कहीं ना कहीं कैप्टन वरुण सिंह को ये बता रहे थे। और एक चीज और मैं आपको शिखा बता दूं कि प्राइम टीवी पर अक्सर एक कार्यक्रम के दौरान डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में आरपी सिंह हमारे यहाँ बैठते थे जी। और कैप्टन वरुण सिंह उन्हीं के भतीजे हैं और इस वक्त आरपी सिंह से भी मेरी जो बात है वो हुई है अब से थोड़ी देर पहले और उनका उन्होंने साफ तौर पर इस बात को बताया है कि उनके जो भतीजे हैं वो अब नहीं रहे हैं और वो भी काफी दुख में हैं इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पूरा परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेशवासी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस गम के माहौल में डूब गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो ये पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए, सभी के लिए एक दुख भरी खबर है क्योंकि सभी ने आस लगाई हुई थी कि कैप्टन वरुण सिंह अपनी मौत को हरा देंगे, जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों को हराया है, अपनी जिंदगी की जंग भी जीत जाएंगे। लेकिन वो मौत को नहीं हरा पाए और अपनी जिंदगी की जंग हार गए। ये दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है हेलीकॉप्टर हादसे में। वो उन 14 लोगों में से एक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी 7 दिन की लड़ाई लड़ी, 13 दिन तक उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, कुल 7 दिन तक लड़ाई लड़ी और कुल 14 लोग उस हेलीकॉप्टर हादसे में उसी दिन शहीद हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक वरुण सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 दिन तक अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आज वो भी अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।